हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। यहां पर देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट की लिस्ट मौजूद है और उन्होंने कुछ मार्क्स गेन किए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, उसकी भी लिस्ट मौजूद है। यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे मान लीजिए ये सीता का जो नंबर है ये सब्जेक्ट 2 में 2 है, यानी कि 2 जो है बहुत कम है और ये सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कमेंट लगाना है, तो आप मैनुअल तरीका क्या यूज करते हैं कि यहां से, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कमेंट लगाना है तो आप यहां से सीधा चले जाते हैं रिव्यू टैब में, फिर यहां न्यू कमेंट पे जाते हैं, फिर आप कमेंट लगाते हैं। तो आप जहां पर हैं वहीं पर कर्सर को रखते हुए केवल शिफ्ट और F2 प्रेस कीजिए। शिफ्ट और F2 प्रेस करते ही यहां पे कमेंट लग जाएगा और यहां पर जो भी कमेंट देना है आप यहां पे दे सकते हैं, ठीक है। यहां पे लाइक मैं दे देता हूं फेल इन सब्जेक्ट 2, ठीक है। इस तरीके से आप उस प्रोसीजर से बच जाएंगे जो कि आपका मैनुअल प्रोसीजर है, और यहां पर जाते ही आपको ये कमेंट दिखाई पड़ेगा, मींस कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो है इस सब्जेक्ट में फेल है। कौन से सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट 2 में। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, कमेंट लगाने के लिए शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। तो यहां पर अब मान लीजिए इसी कमेंट को हटाना हो तो शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे? तो अगर आपको इस कमेंट को हटाना है तो आप शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कीजिए। जैसे ही शिफ्ट और F10 प्रेस करते हैं ये विंडो ओपन हो गई, देखिए एक पॉपअप ओपन हो गया है। अब यहां से आप क्या करिए, ये जो कमेंट है नीचे आकर के यहां पर डिलीट कमेंट दिया हुआ है, बस इसी पर जाकर के एंटर कर दीजिए, ये कमेंट हट गया। अब यहां पर जाएंगे ना तो आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, यानी लगाने के लिए शिफ्ट और F2, और यहां पे देखिए कुछ भी दे देता हूं मैं, फॉर एग्जांपल ये दे देता हूं, कुछ भी यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी में। और फिर हटाना है तो शिफ्ट के साथ क्या प्रेस करना है? F10। और यहां से फिर हम डिलीट कमेंट कर देंगे, बात खत्म। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कमेंट तो लगा देंगे, शिफ्ट और F2 प्रेस करके यहां पे कमेंट कर दिया, कुछ भी लिख दिया यहां पे मान लीजिए। अब इसको हटाना है, शिफ्ट के साथ F10 दबाया, आप खाली M दबा दीजिए, कमेंट हट गया। तो ये भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आप ड्रॉप डाउन में जाकर के भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, ओके, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।